एनी सिस्टम डिज़ाइन कैन बी ब्रीच्ड लेकिन लोग uh, सतत इसके ऊपर जागरूक है और uh, देख रहे हैं एक्सपर्ट लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स uh, उसमें कैसे इसको चेंज लाया जाए कि नेक्स्ट ईयर ऐसे नहीं हो जाए तो ये सिस्टम तो ऐसे ही इवॉल्व होते जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर uh, जागरूक है और अभी जो हुआ फ़िलहाल मई मास में जो नीट का या, 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 यूजी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ तो उसके बारे में जब रिजल्ट्स आया तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को 100% परसेंट मार्क्स मिला अनयूजअली तो ये सब तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे होंगे मैं तो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ तो उस मुझको पता नहीं है लेकिन जब ऐसे ब्रिज उनको लगा कि ये अच्छा चीज़ नहीं है तो तुरंत वो सी को केस उसको सौंप दिया तो एक एक पहला चीज़ क्या कि उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए ऐसे नहीं कि उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे तो सी को केस सौंप दिया है तो तुम इन्वेस्टिगेट करो और देखो क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन करने के बिना वो वो सब जो अंदर का जो बाहर नहीं आएगा तो ये ओपन सिस्टम के लिए ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन करके उसका रिपोर्ट आए दूसरा चीज़ गवर्नमेंट ने जो किया है तो एक दो दिन पहले एक हाई पावर्ड कमिटी को वो प्रपोज किया है जिसमें हमारे श्री राधाकृष्णन जी है वो इसरो के चेयरमैन चेयरमैन रह चुके थे तो इज़ अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी उसके साथ जैसे मुझे मेरी जानकारी है दो आईआईटी के प्रोफेसर भी है सो आई थिंक यू नो जो सिस्टम गवर्नमेंट uh, ने प्रपोज किया है लेट देम कम आउट विद रिपोर्ट लेट देम लुक एट द द होल सिस्टम एंड आई थिंक जो आउटकम uh, होगा वो अच्छा ही होगा मैं स्टूडेंट लोगों को फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप uh, मन मत हारिए तो uh, एक बार और फिर से कोशिश करें सिस्टम वर्क्स फॉर यू Uh, academicians are concerned for the welfare of the young students of our country i mean they are our future right and academicians are well aware of this and, and the system will uh, change if needed to take care of such problems